तो दोस्तों कौटाला शिवा के डायरेक्शन बनी एक्शन पैक्ड फिल्म आचार्य, जो कि एक हाई बजट फिल्म होने वाली है और इस फिल्म का जो बजट है वो लगभग 150 से 200 करोड़ का बताया जा रहा है। बता दोस्तों कि आचार्य एक हाई वोल्टेज एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म की स्टारिंग में हमें देखने को मिलेंगे मेगा पावर स्टार रामचरण, चिरंजीवी सर और साथ ही साथ पूजा हेगड़े और काजल अग्रवाल इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगी। बता दोस्तों कि आचार्य फिल्म को पहले इसी साल ईद के मौके पर रिलीज किया जाना था, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से जो है इस मूवी को जो है पोस्टपोन कर दिया गया था और इस फिल्म की जो शूटिंग है वो अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुई है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के फाइनल शेड्यूल की जो शूटिंग है वो आज से स्टार्ट कर दी गई है। साथ ही साथ इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से आचार्य फिल्म का एक धमाकेदार पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज इस फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया गया है, जिस पोस्टर में हमें मेगा पावर स्टार रामचरण देखने को मिल रहे हैं और उन्होंने कुर्ता पहना हुआ है, साथ ही साथ गले में गमछा डाला हुआ है और उनके माथे पर भी तिलक लगा हुआ है और ये जो पोस्टर है काफी धमाकेदार देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जो इनसाइड रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक आचार्य फिल्म को इसी साल दशहरे के मौके पर रिलीज किया जाना है, लेकिन दोस्तों अभी तक इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से इस फिल्म के रिलीज डेट को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। बता दोस्तों की खबरें तो ये भी आ रही है कि इस फिल्म को जो है डायरेक्ट हिंदी वर्जन में भी रिलीज किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों जैसे इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन या इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको उस पर एक वीडियो बनाकर जरूर बता दूंगा। हालांकि दोस्तों आप बताओ कि आप आचार्य फिल्म के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें पिना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताएं कि आज जो पोस्टर रिलीज हुआ है ये पोस्टर आपको कैसा लगा, ये भी हमें पिना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।